वेलकम टू माय चैनल एफ फॉर फाइनेंस। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूटी है जो कि पहले दो लेक्चर्स में हम एक सोर्सेज ऑफ लॉ पे बात हो चुकी है और एक हमने जो है वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर ली थी और उसकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी और फिर हमने उसके जो दो मेन थीम थे कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा एनफोर्सेबल होना चाहिए। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली एनफोर्सेबल होने की वजह से ही वैलिड कहलाता है, मीन्स कि वो चैलेंजेबल होता है इन दी आई ऑफ लॉ। कि अगर एक बंदा डिफॉल्ट करता है एक पार्टी तो उस सूरत में दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मुकाबले में एक और टर्म यूज होती है जिसका नाम है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर वो जो चंद एक जरूरी एक एसेंशियल पार्ट्स हैं और फैक्टर्स हैं अगर वो निकाल दिए जाएं तो वो वाइड हो जाता है, यानी कि वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी लॉ में नहीं रहती। और एक इसके साथ एक थर्ड टर्म यूज होती है जिसका नाम होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट। तो वो होती है जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था और आपने वो काम किया तो वो अगेंस्ट चल रहा है, यानी कि वो ऑफेंसिव में आ जाता है। तो हम अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए और उस कानून की नज़र में एक एक्सेप्टेबल होने के लिए हमें कौन कौन से जो है वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो हमें इसके अंदर रखने और कौन सा मेयार हैं जिसको हमने मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें आ जाता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसमें जो सेक्शन 2A और 2B है उसमें वाजह तौर पर है कि बेसिकली जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। और एक एग्रीमेंट ऐसा जो कि दो बंदों के दरमियान होगा, ज़रा प्लुरलिटी ऑफ पर्सन और कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है। तो दोनों का आपस में इतफाक राय भी होगा और दो लोगों में मिनिमम। तो एक ऑफर करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। ऑफर मीन्स कि जो इनिशिएट किया जाता है किसी काम के करने या ना करने के बारे में, कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की थी। और जो सेकेंड इसका फेज है वो है एक्सेप्टेंस का, कि जब एक विलिंगनेस दे देता है बंदा, अपने ऑफर कर देता है, फिर नेक्स्ट जो बंदा है जिसको ऑफर की गई होती है वो बंदा उसके ऊपर यस दे देता है या ओके कर देता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस सूरत में वो एक प्रॉमिस बन जाता है। और जब एक प्रॉमिस एक्सेप्ट या प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस की डेफिनेशन में आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो एक हमारे पास उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो एक परफॉर्मेंस है या उसका जो मकसद है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसमें किसी किस्म के फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए और नंबर थ्री इमोरल भी नहीं होनी चाहिए और नेक्स्ट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चारों फैक्टर्स को, यानी कि विद इन द ऑर्बिट ऑफ लॉ जो है वो हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स किसी शख्स के साथ मुआहदा करता है कि फलां आदमी की मैं आपको सुपारी देता हूँ और फलां आदमी को जो है मैं मार दूँ, तो ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। और पब्लिक पॉलिसी या किसी की इंजरी को करना, किसी प्रॉपर्टी को करना, सेक्शन 23 के तहत ये इलीगल एंड वॉइड है। तो ये जो है वो इसके तहत ये लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट उस बेस पे जब बनेगा तो उसको हम कभी भी वैलिड नहीं कह सकते। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो आपस में मुआहदा हो रहा है उसका एक लॉफुल मकसद होना बहुत जरूरी है, इलीगल मकासद के लिए यूज नहीं हो सकता। इसी तरह से इसके साथ एक मिलती जुलती टर्म है जिसका नाम है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो एक रिटर्न है या एक फायदा है जब दो बंदे आपस में मिलते हैं, मुआहदा करते हैं और उनका आपस में एक दूसरे को बेनिफिट जा रहा होता है, तो वो जो बेनिफिट है हम उसको कंसिडरेशन बोलते हैं लॉ के अंदर। तो उस कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। लॉफुल मीन्स कि विद इन दी ऑर्बिट ऑफ लॉ वो जायज हो और वो लीगल हो, यानी कि इन लीगल किसी किस्म का बेनिफिट जो है वो नहीं हो सकता। तो उस सूरत में वो
हम जो है वो कहेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि ये भी एक फैक्टर है कि जब कोई बेनिफिट हो रहा होगा और यकीनी तौर पर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कंसेंसस के साथ इसलिए आए हैं कि बेनिफिट भी लेंगे, तो उस बेनिफिट का लाभ होना बहुत जरूरी है, इलीगल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ की सेल परचेज जो है एक नॉर्मल रूटीन की बात है, वो लीगल होती है, लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ की कोई कंसिडरेशन दी जाए जो कि नॉर्मल जो है वो नहीं दी जाती, या किसी किस्म की ब्राइबरी लेते आना, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में तीन फैक्टर होते हैं जो कि आपने देखे, यानी कि कैपेबिलिटीज या अहलियत कैसे मेयार होगी, और एक मेयार सेट कर दिया गया लॉ के अंदर कि अगर एक शख्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले बुनियादी बात है कि उसकी जो है वो एज देखी जाएगी, और एज जो है उसकी लेस देन 18 हो गई तो वो माइनर होगा, और इसी तरह से वो माइनर नहीं होना चाहिए जब वो लॉ में एक एग्रीमेंट कर रहा है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी एज का 18 ईयर से ऊपर होना जरूरी है, और प्रॉपर्टी की केस में 21 ईयर्स होती है। इसी तरह से जो सेकंड फैक्टर है उसका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का, उसके अंदर उसकी सॉल्वेंसी देखी जाती है, यानी कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी जाती है। एक शख्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया कि वो बाय डिफॉल्ट उसने कर दिया है, और वो अब जो है वो अपने एसेट्स को के अगेंस्ट लाइबिलिटीज उसकी ज़्यादा हैं और वो पहले ही अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो वैलिड नहीं होगा, तो कानून की नज़र में वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा और वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। नंबर थर्ड जो है उसकी मेंटल कैपेसिटी होती है उस शख्स की, जिसमें हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में डिस्कस कर रहे हैं, तो इन तीनों को मिलाकर कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि उसकी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, सॉल्वेंट हो, इनसॉल्वेंट ना हो। इसी तरह से उसका जो एक एज है फैक्टर है वो मोर देन 18 ईयर्स हो, वो बालिग हो, और नंबर थर्ड जो है उसका जो फाइनेंशियल मेंटली जो है वो साउंड हो, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसकी ना हो, या वो समझ बूझ रखता हो, एक रैशनल डिसीजन कर सकता हो। इस तरह से एक और फैक्टर जो है वो उसमें फ्री कॉन्सेंट है, यानी कि वो किसी दो बंदे जो मुआवजा कर रहे हैं पार्टीज हैं वो आपस में एक दूसरे को के साथ जो है ना कुछ ऐसे किसी गैर फितरी या गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो मुआवजा ना किया हो। लेट्स सपोज कि एक आदमी दूसरे साथ फ्रॉड के जरिए उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आता है, या गलत बयानी के जरिए लेके आता है, जिसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी तरह से वो दूसरा बंदा जो आप गन पॉइंट पे लेके आ जाते हो, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, यानी कि किसी किस्म के दबाव के बगैर, जिस्मानी किसी किस्म की अजियत के बगैर, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि एक कंसेंट जो है वो फ्री समझी जाती है जब विदाउट क्वेश्चन हो, विदाउट फ्रॉड हो, या फिर किसी किस्म के विदाउट अंडर इन्फ्लुएंस हो, यानी कि ज़हनी दबाव का शिकार ना हो, तो उस सूरत में वो फ्री कंसेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, यानी कि शरायत का बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी किस्म की कोई मशकूक शर्त होगी, या जिसमें वाजे नहीं होगा, या उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होगी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अमल दरामद मिलाना मुमकिन ही नहीं रहेगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक बहुत अहम फैक्टर है कि उसके अंदर जितनी भी उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर जो सर्टेनिटी है टर्म्स की, वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि एक बंदा कहता है कि मुझे 20 बुक्स जो हैं वो आप भेज दें, और उनका कोई टाइटल मेंशन ना हो, या क्वांटिटी तो चलो मेंशन है लेकिन क्वालिटी मेंशन ना हो, तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसर्टन समझा जाएगा। यानी कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनका आपस में क्लियर एंड क्रिस्टल हर लिहाज से होना जरूरी है, थिंकिंग इन द सेम सेंस अबाउट द सेम थिंग, तो ये कंसेंसस का बहुत जरूरी होगा। वो तभी पैदा होगा जब सब चीज़ों को वन बाय वन आप क्लियर करेंगे, तो किसी किस्म की जो कंडीशंस हैं जो कि उसमें आपस में मिक्स होती हैं या उसमें नहीं है, तो वो जो है वो किसी किस्म का मुआवजा जो है वो वैलिडिटी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसको वाइड फिर करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी बात नहीं है, यानी कि ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और वो वैलिड ही होते हैं। राइटिंग और रजिस्ट्रेशन को एक रिकमेंडेड किया गया है लॉ के तहत कि जब एक लॉन्ग रन मुआवजा होगा, तो उसमें ज़ाहिर है कि इतने अर्से तक याद रखना चीज़ों को मुमकिन नहीं है, तो उस चीज़ को वैलिड करने के लिए या बाद में एनफोर्सेबल करने के लिए
राइटिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसमें लॉ ने एक बाकायदा कैपेसिटी के हिसाब से या लॉ की जो एक आपका मुआहदा होगा उसकी वैलिडिटी को देखते हुए और उसकी वैल्यू को देखते हुए एक उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन के जो है वो कितनी वैल्यू लगानी है, यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो ओवरऑल करना है। फिर इस तरह से आपके नेचर ऑफ एसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने उसके हिसाब से चलना है कि नहीं चलना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डिस्कस करनी, और ये भी ज़रूरी है कि वो राइटिंग लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है नॉट एक्सपेक्टली डिक्लेयर एडवांस। तो वाइड एग्रीमेंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो किसी किस्म का लॉ में एक्सेप्टेबल तो ना हो या इन्फोर्सेबल ना हो, यानी कि दो ऐसे लोग हैं जो कि आपस में मुआहदा करते हैं और वो उन बातों का या उन खास पॉइंट्स का ख्याल नहीं करते जिनकी वजह से वो एक दूसरे को जिनको लॉ एक्सेप्ट करता है, यानी कि जैसे आप एक मुआहदा करते हैं उसकी कुछ कंडीशन हैं, जैसे हमने ये शरायत है, इन शरायत में से कोई एक भी निकल जाए जो हमारी अब ये लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस सूरत में वो वाइड करार दिया जाएगा। और लॉ ने कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली पहले ही वाइड की हुई, यानी कि उनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो विद इन द ऑर्बिट ऑफ लॉ नहीं है, लॉ उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो उस सूरत में वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुआहदे जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो गए कि वो वाइड हैं, अब वो वैलिड हो ही नहीं सकते, उनको कहते हैं एब इनिशियो वाइड। तो उसमें सबसे पहले जो है वो एग्रीमेंट विद माइनर है। अब एक माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इनकेस कि वो माइनर मुआहदा करने के बाद आपके साथ कोई फ्रॉड करता है या आपके साथ कोई वो हेरा फेरी कर जाता है, तो उस सूरत में वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसका जो ओवरऑल होगा वो हमने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एट वाइड में रखा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा, जिनके किसी शख्स को आप उसके ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते, किस शख्स की जो है वो एक शख्स की आज़ादी नहीं छीन सकते, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते, क्योंकि जो बेसिक राइट्स को हिट करती हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको हमने वाइड रखा हुआ है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था, इन उन मुआहदों में से नहीं हो जो कि ऑलरेडी वाइड होते, तो ये हमारी वो कंडीशंस हैं जो कि पूरी होंगी तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वरना वो वाइड की कैटेगरी में ज़रूर आ जाएगा, इलीगल बेशक ना हो, क्योंकि इलीगल तो एक ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाता है और वो अगेंस्ट द लॉ चला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने जिनका ख्याल करना है और इनके ऊपर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि जो रेलेवेंट लोग हैं या जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।